1 अक्टूबर हमारे ICDS विभाग को चलते 45 वर्ष हो गए हैं पूरे। इस उपलक्ष्य में हमने आज एक सभा रखी है प्रदर्शन के रूप में, क्योंकि हमें अपनी मांगों को केंद्र सरकार यूपी सरकार तक पहुँचाना ही पहुँचाना है, क्योंकि ऐसा तो ये लोग मानेंगे ना। तो इससे ये स्थापना दिवस के अवसर हम एक ज्ञापन भी देंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम। ये क्या है कि इन्होंने 1500 रुपये हमें प्रोत्साहन राशि दी है। हम लोगों ने कहा कि हमें मानदेय चाहिए, चाहे जो भी हो हमें मानदेय के रूप में चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। दूसरा, हमारी आंगनवाड़ी बहनों को आज तक अभी कोई रिटायर नहीं हुई, इन्हीं की सरकार चलते हुए हमारी बहुत सारी बहनों को रिटायर कर दिया गया, और रिटायर होने के बाद उनके हाथ में कटोरा देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। या उनसे ये कहना है कि हमारी बहनों को 10 लाख फंड दिया जाए रिटायरमेंट के बाद, और कम से कम 10,000 पेंशन उनको दिया जाए, क्योंकि बुढ़ापे में सब चीज़ चाहिए। जब सारी ज़िंदगी तो हमने सरकार का काम ही किया है, अरे पोलियो मुक्त देश हम आंगनवाड़ियों ने कराया है। अब ये कोरोना में, पूरे कोरोना काल में सब अपने लोग अपने घर में बैठे थे और हम लोग फील्ड में घूम रहे थे, कोरोना से भी निजात हम लोगों ने दिलवाई है, तो हम लोगों को इतना कम क्यों? तो हमारा ये कि हमें कम जो 1500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में बढ़ाया, ये हमें मानदेय के रूप में चाहिए। और ये समूह जो समूह चलाए गए हैं, ये या तो आंगनवाड़ी के पास ही रहे ये सब जितना राशन पानी है, या फिर समूह के पास रहे, इधर बीच में ना घुसड़ा जाए। ये तो आंगनवाड़ियों को बहुत कुछ झेलना पड़ता है गाँव में जाके। जी हमने ये इसलिए बोला था कि हमारे 3-4 वादे इन्होंने किए, अभी एक भी वादा पूरा नहीं किया। कोरोना में कैराना में गए थे, कराना बिजनौर में गए थे योगी जी, उन्होंने 10,000 खुले मन से घोषणा की थी, तो वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया। हसनपुर नगली में गए थे, हसनपुर नगली में यहाँ गजरौला में, वहाँ भी 10,000 रुपये खुले मंच से कह के आए थे, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। तो ये अब इन्हें आगे पीछे कोई होता तो ये भी तो दर्द पता चलता, आंगनवाड़ी हमारी कैसे भुगत रही है। पूरे कोरोना काल में जो हमारी विडो हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, जो गरीब हैं, उनके बच्चे सब इसी पर आश्रित हैं, उसके बाद भी इन्हें ये होना चाहिए कि उन्हें कुछ अलग से दें। 1500 रुपये दिए तो प्रोत्साहन के रूप में दिए, उन्हें मानदेय बढ़ाएं, तभी तो उनका पूरा होगा। योगी सरकार वादा निभाओ, वादा खिलाफ ही नहीं चलेगी। अरे रंडुआ वंडुओं की सरकार इसलिए कहा था कि इनके परिवार अगर होता तो हम लोगों के दुख दर्द को जानते, इसलिए ये हमारे दुख दर्द को समझे और हमारी बातों को समझे अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो, और नहीं तो हम आंदोलन और तेज करेंगे और हम ऐसे ही इनको कहते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानेंगे, तो हम आंदोलन और तेज करेंगे। जी योगी सरकार झूठी है, सरासर झूठी सरकार है, जो वादा करती है आज तक निभाया नहीं, निभाएगी अभी इतना।